हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए, आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ये है कि हमारे व्यूवर्स ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि अपने पार्लर में फेशियल का प्राइस क्या रखें। देखिए, अगर आप अपना नया नया पार्लर आपने ओपन किया है तो फेशियल का प्राइस इतना होना चाहिए कि वो मार्केट से कम हो। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके आसपास की जो मार्केट है उसमें फेशियल के प्राइस क्या क्या हैं। अगर आपको ये कंटेंट मिल जाता है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है फेशियल्स की, तो आप अपने फेशियल के प्राइस उसके अकॉर्डिंग सेट करें। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ तो मेरे सराउंड जो मेरे फेशियल के प्राइस हैं, फ्रूट फेशियल का प्राइस जो है वो है 500 रुपीज़। तो मैंने जब न्यू स्टार्ट किया था, मेरे पार्लर को नियर अबाउट 2 ईयर्स हो गए हैं, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने फ्रूट फेशियल का प्राइस 300 सेट किया था, क्योंकि मार्केट से कम होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको मार्केट से प्राइस को कम करना पड़ता है ताकि कस्टमर आपके पास आए और उसको लगे कि आप रीज़नेबल प्राइस हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि 300 में आपको कुछ नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रूट फेशियल इतना कॉस्टली नहीं होता है। नेक्स्ट, फ्रूट के अलावा अगर मैं दूसरे फेशियल्स पे चलती हूँ, जैसे कि अगर मैं आप बात करूँ गोल्ड, डायमंड, D10, ऑक्सी, और इसके अलावा जो भी आपका पपाया का फेशियल, वाइन फेशियल, ये सारे जो फेशियल हैं ना, ये जो नॉर्मल रेंज के फेशियल होते हैं, मींस टू से कि अगर इनकी मार्केट वैल्यू, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा कम कीजिए, मार्केट में जो प्राइस है उस प्राइस से 200 रुपीज़ कम दें अपने कस्टमर को, सिंपल सी बात है। इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है ना, वो नियर अबाउट 700-800 की होती है। मेरे जो सराउंड की मार्केट में 700-800 का है, और मैं ये सभी फेशियल 500 में करती हूँ। तो ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रही, मैं खुद की मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको अपने पार्लर में किस तरह से प्राइस सेट करना है। तो मैं ये सब कुछ 500 में, हर एक फेशियल, डायमंड का, गोल्ड का, D10 का फेशियल और ऑक्सी का फेशियल, और साथ में इनकी वैल्यू, इनके प्राइस अलग अलग होते हैं मार्केट में, मैं सारे 500 में करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आपको इसमें कुछ बचता है। देखिए, ऑब्वियसली बचता है, तभी मैं 500 में वो फेशियल दे रही हूँ। अगर आप बिग साइज़ की किट लेते हो, बड़ी किट लेते हो, तो उस किट में आप नियर अबाउट, आपको वो किट, बड़ी किट जो है वो 800-900 की पड़ती है, और उस किट में आपको आपके नियर अबाउट 10 फेशियल्स, 8-10 फेशियल्स हो जाते हैं। बड़ी किट में 8-10 फेशियल्स हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बचेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं बचता, ठीक है। तो जो भी मार्केट प्राइस होता है ना, उससे कम रखें, उस प्राइस से, मार्केट के प्राइस से अपने पार्लर के फेशियल का प्राइस कम रखें, ये आपको करना है। और अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग चलें, बिल्कुल भी नहीं। सबके जो आसपास के सराउंड की मार्केट होती है वो अलग होती है। आपकी मार्केट में वो फेशियल जितने रुपीज़ का हो रहा है, उसे 200 रुपीज़ कम में वो फेशियल दें। अगर 700 का हो रहा है तो 500 में दें, अगर 800 का हो रहा है तो आप दें 600 में। इसके अलावा दूसरे फेशियल्स पे चलते हैं, थोड़े अच्छे फेशियल्स पे, जैसे कि ओजोन का फेशियल। ओजोन का फेशियल नियर अबाउट 1200 के सराउंड होता है, 1100-1200, और इसका जो मैं प्राइस लेती हूँ वो 1000 है। मीन्स टू से आपको, आप उसे 1000 ले सकते हैं। आपका मार्क, बस जो आपके पास कस्टमर आ रहा है ना, आपको अपने मार्केट प्राइस से कम प्राइस में वो फेशियल अपने कस्टमर को देना है, और प्राइस इतना भी नहीं कि आप 50 रुपीज़ कम कर दें, उसको लगना चाहिए कि कम है, यानी कि 200 रुपीज़ कम होने चाहिए। आगे आपकी विश है कि आप कितना प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हायर फेशियल पे चलें, जैसे कि O3+ का फेशियल, O3+ के फेशियल की अलग अलग रेंज आती हैं। जैसे कि कोई फेशियल 400 में भी आता है, कोई फेशियल 600 में भी आता है,
कोई फेशियल 800 का भी होता है, 800 की किट भी आती है। ये जो फेशियल होता है ना थ्रिप्स का, एक पर्सन पे ही यूज़ होता है एक बार, ये जो हंड्रेड्स में, वरना इसकी बड़ी वाली किट जो आती है वो आती है नियर अबाउट 4000 की। तो अगर आप इस फेशियल को अपने कस्टमर को दे रहे हो, अगर आप किट 400 की परचेज कर रहे हो, तो आप वो फेशियल 800 में कर सकते हो, क्योंकि आपकी भी तो मेहनत होती है ना उसमें। ये तो नहीं कि आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं, आपको कुछ बचना भी चाहिए उसमें। नेक्स्ट, अगर आपको एक किट ली है आपने 500 वाली, तो वो फेशियल आप 1200 में दे सकते हो, ये 1000 यानी 500 से ऊपर आप कभी कितने में भी दीजिए, 1000 मिनिमम देना है आपको, उससे ऊपर यानी कि आपने मार्केट वैल्यू में देखिए, आपकी मार्केट प्राइस देखिए। नेक्स्ट, अगर आप किट ले रहे हो 700 की, यानी कि 10 स्टेप का फेशियल, 500 वाले में आपको मिलते हैं 7 स्टेप्स, यानी कि अगर आप किट ले रहे हो 700 की जिसमें 10 स्टेप्स मिलते हैं, वो फेशियल आप अपने पार्लर में 1500 का दे सकते हो, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है, इसकी मार्केट प्राइस नियर अबाउट, हर एक एरिया की अलग अलग होती है। हमारे एरिया की जो है, जहाँ मेरे एरिया की जो प्राइस है वो है 2500 की, लेकिन मैं रीजनेबल दूंगी, मैं ज़्यादा में ये नहीं देती, मैं 1500 में। नेक्स्ट, अगर हम चलते हैं कि O3 प्लस का ही एक और फेशियल आता है, जो किट आती है उसकी 1100 के सराउंड आती है, उसका प्राइस आप रख सकते हैं, उसका प्राइस आप 2000 टू 2500 का रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्राइस को सेट करें, यानी कि जो भी प्राइस आपको मार्केट में है उस प्राइस से कम प्राइस में आप उसे पे करें। तो इस तरह से जो फेशियल्स के प्राइस जो हैं अपने पार्लर में सेट करें, ताकि कस्टमर आपके पास आए और एक बार आके वो फिर से आए, ठीक है ना। उसको कम लगना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आई होप सो कि आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।